गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अभी हमारा यहाँ पे आज सेकंड डे, मतलब कल हम आए थे और शाम को हम थोड़ा बहुत बाहर घूम के आए हैं। अभी हो गई है मॉर्निंग और हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में रेडी होके ब्रेकफास्ट करने के लिए। और तब तक मैं वो वाली क्लिप्स यहाँ पे ऐड कर दूँगी जो हम कल रात में घूम फिर के आए थे, जो भी बाहर गए थे, और फिर आगे का व्लॉग अपन यहाँ से देखेंगे। हाँ हाँ अरे वो शायद नीदरलैंड का लड़का था, भाभी ने उसको बोला बैग रखने के लिए, उसने ना बैग ऐसे रखा है, उसने बैग ऐसे नहीं रखा, हाँ उसने ऐसे रखा है। आइए गाइस, अब हम जा रहे हैं वैलेंसिया घूमने, आइए हमारे साथ। आइए आइए, ये घुमाने के नाम पे ग्रोसरी स्टोर ले जा रहे हैं। आइए इन्फ्लुएंसर जिन्हें आपने बहुत पसंद किया है, बाल धो कर आए हम। सफेद बचा के रखेगा इनको, आज ही तो पहने, ये कभी तो रंग बिरंगे होंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब आज ही पहने तो ना, आज ही तो नीचे से ब्राउन कर दिए। ये इकबाल ने भी व्हाइट शूज लिए थे एक टाइम, देखो ये भी मेरे व्हाइट शूज थे, रेड आज इनका रंग देख लो, रेड ब्राउन। और मैंने भी व्हाइट शूज लिए थे गाइस, और नहीं हमारे तो नीले ही थे, इसके नीले थे, इसके नए हैं क्योंकि मेरे मेरे देखो, बाकी सबको छोड़ दो। हाँ सारे यहाँ ही आ जाओ, इधर आइए। ये तो कौन सा, इधर आइए। अरे कौन सा डिटर्जेंट, निर्मा से धुले हुए हैं। पैर क्यों लगा रहा है मेरे जूते के पैर धोने में, ये तो निर्मा वाले हैं। यहाँ तुम भी आ गया ना, पूरा गाड़ी आ रही है तुम्हारे लिए, हम जा रहे हैं वहाँ पे। फैमिली स्टोर कहाँ है वो नजर आ रहा है, फैमिली स्टोर यहाँ पे हम करेंगे थोड़ी सी बेसिक शॉपिंग। आपको थोड़ा सा शहर का दिखा देता हूँ अंदाजा, और जो आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हो, इसके जस्ट राइट में जो पेड़ के पीछे दिख रही है वो हमारा होटल है। फिर कभी दिखाऊंगा फुल व्यू उसका, फिलहाल हम चलते हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। ये यहाँ की लोकल ट्रैम बोल सकते हैं या फिर ये ट्रैवल, यस नो इट्स मेट्रो, मेट्रो वैलेंसिया। आप देख सकते हो ये मेट्रो स्टेशन है यहाँ का वैलेंसिया, जो कि बहुत अच्छा है। और ये थोड़ी सी लाइट बहुत ही अच्छा लग रहा है। तब आपको मेरा होटल बहुत क्लियरली दिख रहा होगा जो कि है वो, और उसके 14th फ्लोर पर हमारा रूम है जो कि बहुत बेहतरीन है। तो ये मौसम यहाँ पे आके बहुत ही खुश कर दिया। जब हम यहाँ पे ट्रिप स्टार्ट करी थी तो यहाँ पे वेदर जो रिपोर्ट में जो टेम्परेचर दिखा रहा था वो ऑन एवरेज 32 और 31 डिग्री दिखा रहा था इन डे, और अभी देख लो क्या मस्त सुहाना मौसम हो रहा है, पूरे तरफ बादल छा चुके हैं और इसने बेहतरीन बना दिया मौसम। ठंडी हवा, मस्त हवा आ रही है और मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। हम शाम की थोड़ी बेसिक शॉपिंग करने के लिए हम पहुंच चुके हैं फैमिली कैश, जो हमारे होटल से सबसे नज़दीकी स्टोर था, ग्रॉसरी स्टोर। तो हम देखते हैं यहाँ से हमें क्या क्या मिल सकता है। बादलों का मैंने बता दिया कि लाइक जब हमने ट्रिप प्लान करी थी तो टेम्परेचर 31-32 डिग्री दिखता था, और मैंने दुआ करी थी कि भाई काश थोड़ा सा ठंडा हो जाए टेम्परेचर, और ऊपर वाले ने ये करामा दिखाई है। ये देखो क्या दुआ सुनी है, पूरा शहर जो है वैलेंसिया का घिर चुका है घने, इधर साफ आसमान। और ये देख लो, तो ये कि यहाँ पे काले बादल इसलिए क्योंकि हमारा होटल यहाँ पर है, तो ऊपर वाला चाहता है कि हम ठंडे कूल एकदम बने रहे ताकि हम एंजॉय करें वैलेंसिया के शहर को। अभी ग्रोसरी स्टोर चल रहे हैं, लेट्स सी हमें जो हमें चाहिए वो यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है। दीपक की प्रेडिक्शन है कि मिल जाएगा, इसने देख लिया है। चलो होपफुल रहते हुए हम एंट्री ले रहे हैं। यस, और ये मैनुअल गेट है जो कि हमारे आने पर खुद से तो खुला नहीं, वो दोनों खा गई है, उनको देखना जरूरी है। भाई चीज़ें देख कर तो लग रहा है कि यार ओह, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे मतलब की चीज़ है, ये
लेग पीस इतने बड़े बड़े। ओह माय गॉड, सही है तो मैं ये लेके जाने वाला हूँ। और वो जो पीछे जो काउंटर पे लेडीज थी बहुत स्माइल कर रही थी मुझे देखकर कि भाई बंदा पागल ही हो गया लेग पीस देखकर। तो यस हमें दिख चुके हैं राधिक मैम जो कि वो भाई क्या ले लिया क्या ये व्हाट्स इन देयर कावा क्या नॉन अल्कोहलिक है क्या स्पेनिश होती है स्पेनिश शैंपेन चलो ठीक है। तो अभी यार इनको क्या बोलते हैं यार ये आलूचे बोलते हैं क्या तो हमने आलूचे लिए हैं जो आयशा को बहुत पसंद है और देखते हैं हमें और क्या चीज़ मिलेगी कुछ वैसी चीज़ लो जो अपने रूम पे रख सकें और फिर फ्री टाइम पे खा लें बढ़िया खाने की चीज़ खाने की कुछ इतने पसंद है अच्छा वो कुछ वैसी वाली खानी है फ्लेवर्ड योगर्ट वैसे अपार्ट फ्रॉम ब्रेकफास्ट की पूरा दिन रहता है ना शाम को तुम लौट कर थके आ रहे होटल रूम पर आते हो तो तुम्हें चलो देखो मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी तो मैं हेल्प करता हूँ आयशा की दही खरीदने में फिर मिलते हैं आपसे चलो बाय। दोबारा बताना कैसे बुला रहा था अभी तो पिज़्ज़ा और कमाल की बात देखो सबके पिज्जा यहीं से जा रहे हैं हमारे बगल से निकल कर क्या हो गया क्या हो गया क्या हुआ दो बंदों से पूछ सकते हैं सब बोलते हैं बंदर को नहीं करना पड़ेगा क्या हुआ दोबारा बताएगा इस बारी गाली दार बोल रही है अरे बंदी ऐसी गाली दे देने इससे लगभग 40 से 45 मिनट पहले हमने पिज्जा मंगा रखा था दो मंगाए थे एक आ गया दूसरा नहीं आया तो अभी गाली पे देने आई थी ना तो ये भाई साहब उसको स्क्रीन में दिखा रहा है फोन की स्क्रीन में कि भाई ये वाला पिज्जा था है ना मैंने किधर है मेरा पिज्जा बंदी शर्मा गई पूरी तो वो मना भी तो करती है कैसे बोलती है ऐसे करके कितनी देर हो गई हमें हमारा ऑर्डर का वेट करते हुए एक घंटा यहाँ पे हम अब्बा जब्बा डब्बा हो गए हैं इन्हें हमारा नहीं समझ में आ रहा हमें इनका नहीं समझ में आ रहा मतलब इतने दिन स्वीडन में रह के 2-4-5 शब्द स्वीडिश के सीखे थे और यहाँ आके तो वो भी काम आएंगे ना वो तो काम आएंगे हाँ स्पेनिश बोलते हैं कुछ भी नहीं समझते भाई शब्द भी नहीं समझते इनसे बोलते इंग्लिश लोगों को कहाँ है पता नहीं क्या बोलते और अंग्रेजी के तो एकदम दुश्मन है इनको भी नहीं आता हिंदी बोलने से भी नहीं मिल रहा ना पिज्जा तो कहाँ दिखा ओ भाई साहब मजा आ जाएगा मजे से खाओ प्लीज इकबाल खान मेरी भी प्लेट लेंगे मैं ये खाते लेके अभी प्लेट दे देने लगे बाउल नहीं है क्या तरबूज के लिए तो पहले अपनी प्लेट ले ले फिर स्कोर बना ले नमस्ते।
दिन के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे तो यस दीपक तो बस जाए ब्रेकफास्ट करके ब्रेकफास्ट करो हां बढ़िया था बढ़िया बढ़िया सरकार सुनी नहीं रहा यस तो फ्रेंड्स ये हमारे होटल का जो पूल एरिया स्विमिंग पूल एरिया ये वो है जो मैं लास्ट वाले व्लॉग में जो मैंने आपको होटल का दिखाया था मैं उसमें दिखाना भूल गई थी। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आए थे तो मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखाती हूँ। इतना प्यारा था मतलब इतना सुंदर यहाँ से व्यू इतना अच्छा आ रहा था और कल हमने यहाँ पर स्विमिंग करी काफ़ी देर तक हम पूल में थे तो हमें बहुत सारा मज़ा आया। और इसकी कुछ टाइमिंग जो होती है सुबह 9 से और रात में 10 बजे तक होती है। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे बैठते हैं, ये जो कोजी है और फिर सामने पूल और बहुत सारी चेयर्स लगी हुई है, आप यहाँ पे बैठ के ड्रिंक्स अपनी जो भी इंजॉय करना चाहते हैं कर सकते हैं और यहाँ से ड्रिंक मिल जाती हैं आपको, जैसे भी ड्रिंक चाहिए अल्कोहलिक चाहिए नॉन अल्कोहलिक चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है, आप जैसा चाहे ले सकते हैं। तो हमने भी यहाँ बैठ के अपना कल ड्रिंक इंजॉय किया और पूल में खूब देर तक इंजॉय किया।